हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं उसराज, चले नए वीडियो के साथ आते हैं पुष्पक नगर नई मुंबई अपकमिंग एयरपोर्ट के पास। यहाँ पे आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पे पुष्पक नगर सेक्टर 3 के बारे में बताऊंगा। सेक्टर 3 में देखा जाएंगे तो बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चालू हो चुके हुए हैं जो अंडर कंस्ट्रक्शन में भी है एंड प्री लॉन्च में भी है। तो ज़्यादा करके अंडर कंस्ट्रक्शन में काम चालू हो चुके हुए हैं। मैं एग्जैक्टली खड़ा हूँ यहाँ पे सेक्टर 3 में। सेक्टर 3 के ये साइड में, बैक साइड में आप देखे जाएंगे इस तरफ, उस तरफ एयरपोर्ट आ जाता है यह साइड में, और ये पूरा रेलवे ट्रैक है। यहाँ पे रेलवे ट्रैक दिया हुआ है एंड वहाँ से आपका नीचे का जो लेवल है यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक और सिडको डेवलप करेगी। यहाँ पे जॉगिंग ट्रैक्स, ओपन जिम, ये सब चीज़ नीचे डेवलप करेगी। और यहाँ पे ये 11 मीटर का रोड है और उस तरफ भी 11 मीटर का रोड है, मैं टोटल 22 मीटर का ये रोड आ जाता है यहाँ पे। ये मैं आपको लास्ट एंडिंग वाला दिखा रहा हूँ, जो व्यू आपको मिलेगा, जो एयरपोर्ट वाला व्यू मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाएंगे तो आपको पुष्पक नगर के जो सेक्टर 3 में ना, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चालू हो चुके हुए हैं। हाईवे फेसिंग वाले हैं, लग्जरियस वाले, और अंदर के साइड में देखा जाएंगे तो G+6 फ्लोर की है, G+7 फ्लोर की है, G+10 फ्लोर की है। अभी यहाँ पे सेक्टर 3 में देखा जाएंगे तो आपको पूरा प्रॉपर्टी मिलेगा आपको, मतलब जो आपके बजट में चाहिए वो बजट में आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको मिनिमम टू मिनिमम देखा जाएंगे तो आपको 33,50,000 से लेके 41 लाख तक आ जाएगा, जो G+7 स्टोरेज के बिल्डिंग में आप जाएंगे। एंड आप इसके अंदर 10 स्टोरेज या 11-12 स्टोरेज के इसमें जाएंगे तो आपके बजट में ये देखा जाएंगे तो आपको 45 लाख से जाता है स्टार्टिंग, 50 लाख तक जाता है विद पार्किंग के साथ, ऑल इंक्लूसिव करके यहाँ पे। तो अभी देखा जाएंगे तो आप मेरे पीछे साइड देख रहे हैं, ये देखिए मेरे पीछे साइड देख रहे हैं ना, यहाँ पे ये पूरा कंस्ट्रक्शन काम चालू है। यहाँ पे पूरा पीछे साइड कंस्ट्रक्शन वहाँ तक, अभी प्री लॉन्च में भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आ चुके हुए हैं यहाँ पे। ये साइड में देखिए, पीछे साइड देखिए, यहाँ पे ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे काम चालू है इस तरफ, मतलब ये पूरा आ जाता है यहाँ पे काम स्टार्ट करने का। तो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे कैमरा जो है उस तरफ दिखाता हूँ मैं आपको, जो प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे चालू है सेक्टर 3 में। यहाँ पे मैं यहाँ से दिखा देता हूँ, यहाँ से देखा जाएंगे तो ये सामने रेलवे ट्रैक है, यहाँ पे सामने रेलवे ट्रैक है, और रेलवे ट्रैक से जस्ट इसके ऑपोजिट साइड में जाएंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्ट चालू है, और वहाँ पे उसके दो स्लैब का काम चालू है, कुछ प्लिंथ लेवल का काम चालू है, वो भी अपने पास है सेल्स के लिए। इस तरफ यहाँ पे देखा जाएंगे तो एक टावर खड़ा हो चुका हुआ है ऑलरेडी, उसमें पूरा सोल्ड आउट हो चुका हुआ है। उसके बाजू में देखा जाएंगे तो वो हाईवे फेसिंग में आ जाता है, थोड़ा लग्जोरियस में आ जाता है। ये मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए ये है, ये हाईवे फेसिंग है। उसके जस्ट बाजू में ना देखा जाएंगे तो वहाँ पे फर्स्ट स्लैब का काम चालू है, वो आपको वहाँ पे 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK आ जाता है, और कमर्शियल शॉप, कमर्शियल ऑफिस आ जाता है यहाँ पे। और इस तरफ आते हैं यहाँ पे, ये देखिए ये टावर खड़े हो चुके हैं, ये इसमें G+10 स्टोरेज का बिल्डिंग है, इसमें सिर्फ 1 BHK विद मास्टर बेडरूम के साथ है, कुछ फ्लैट इन्वेंट्री बचे हुए हैं। एंड इसका जो पोजीशन है 7 मंथ टू 6 मंथ में आपको पोजीशन मिलता है यहाँ पे। इस तरफ देखा जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अंडर कंस्ट्रक्शन काम चालू है, G+7 फ्लोर की है, G+6 फ्लोर की है, यहाँ पे देखा जाएंगे G+6 फ्लोर की, G+7 फ्लोर की है, ये पूरा सेक्टर 3 का बता रहा हूँ। उसके बैक साइड में देखा जाएंगे तो छोटे प्लॉट है, G+4 फ्लोर की बिल्डिंग है यहाँ पे। और इस तरफ आप आते हैं यहाँ पे G+6 फ्लोर की, G+7 फ्लोर की, वहाँ पे देखा जाएंगे तो एक टावर खड़ा है, देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये जो टावर खड़ा है G+11 फ्लोर की है, इसका नेक्स्ट ईयर में पोजीशन दिया रहा है यहाँ पे, यहाँ पे। और ये G+4 फ्लोर की बिल्डिंग है, वहाँ पे भी है, उसके पीछे साइड देखा G+4 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो भी 6 मंथ में पोजीशन है। सामने यहाँ पे देखा जाएंगे तो ये यहाँ पे भी अवेलेबल है, कुछ बिल्डिंग इसमें जो रेडी हो चुके हैं, स्लैब पूरा कंप्लीट है, उसमें सब पूरा सोल्ड आउट हो चुके हैं। जो अभी यहाँ पे देखे शेड मारे हुए है, इसका प्री लॉन्च में है यहाँ पे, और उसके जस्ट बाजू में भी उसके शेड मारा हुआ है, जो पत्रा मारा हुआ है उसके में, वहाँ पे भी प्री लॉन्च में प्रोजेक्ट चालू है यहाँ पे। तो ये पूरा सेक्टर वाइज में देखा जाए तो सेक्टर 3 में ये बजट में मिलता है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या होगा कि आपको थोड़ा सा जरा कंफ्यूज होगा कि यहाँ पे ये जो प्रोजेक्ट है ट्राईपार्टी कौन सा है, JV कौन सा है, ये आपको पता नहीं चलेगा यहाँ पे। मतलब JV मतलब 50-50 रेशियो वाला, और ट्राईपार्टी जो 100% ट्राईपार्टी वाला, वो प्रोजेक्ट आपको कैसा पता चलेगा वो आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए आपको मुझे कांटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये जितने भी टावर के सब काम चालू है सेक्टर 3 का, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, जितने भी प्रोजेक्ट चालू है सब अपने पास प्रोजेक्ट है सेलिंग के लिए है प्रॉपर्टी, ये पूरा है आपके बजट के हिसाब से है। बजट बताया मैंने आपको 33-50 लाख से लेके 41 लाख से,
G+6 G+7 में जाते हैं एंड G+10 फ्लोर में जाते हैं और यह 11-12 स्टोरेज में जाते हैं, तो वहाँ पे आपको प्राइसिंग आ जाएगा 45 लाख से लेके 49 लाख के बीच में आ जाएगा विद पार्किंग के साथ। शॉप अवेलेबल है, शॉप देखा जाएंगे तो वैसे 10,000 का रेट कोटिंग कर रहे थे, इसके अंदर 10,000 से लेके 8,500 के बीच में निगोशिएट हो जाता है यहाँ पे। तो यह मैं अंदर का साइड का बता रहा हूँ। और हाईवे फेसिंग का जो शॉप देखा जाएंगे ना, आपको 11,000 का रेट है, उसमें फाइनल 10,000 का रेट आ जाता है। ये पूरा सेक्टर 3 में आ जाता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पे एयरपोर्ट फेसिंग में आप जाते हैं तो यहाँ पे अभी जो ट्राइपार्टी वाला प्रोजेक्ट है, यहाँ पे ट्राइपार्टी वाला प्रोजेक्ट जो है आपको एयरपोर्ट फेसिंग आ जाता है यहाँ पे सामने। बट ये है कि आपको सामने यहाँ पे रेलवे ट्रैक आ जाता है, तो थोड़ा सा यहाँ पे जो गुड्स मालगाड़ी जाती है तो थोड़ा सा साउंड थोड़ा होगा यहाँ पे, वो थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि यहाँ पे मालगाड़ी जाती आती रही। ऑलरेडी डो ट्रैक का काम भी चालू है, डो ट्रैक एग्जिस्टिंग है ऑलरेडी, फ्यूचर में लोकल ट्रेन आ सकता है यहाँ पे। तो ये सेक्टर 3 का पूरा प्रोजेक्ट का मैंने ये सब चीज़ आपको मैंने बता दिया यहाँ पे। सो आपको एक्चुअली सेक्टर 3 का ये मैंने पूरा प्रोजेक्ट बता दिया है यहाँ पे। अभी आपको विजिट करना है, प्रॉपर्टी देखना है सेक्टर 3 में, ये लोकेशन पे सेक्टर 3 के हिसाब में। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया मेरा नंबर है, कॉल करिए साइड विजिट के लिए। और एक्चुअली आपको पूरा अच्छे तरह से पुष्पक नगर के बारे में पूरा जानना है तो सेक्टर 8 में भी आ जाइए। सेक्टर 8 में मेरा वहाँ पे ऑफिस है, मैं वहाँ पे बैठता हूँ, वहाँ पे आप कॉल करिए मुझे, मैं अवेलेबिलिटी मिलता हूँ, फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे तक मिलता हूँ यहाँ पे, और वहाँ पे वीकडे में भी रहता हूँ। तो आप मुझे कॉल करके आइए तो आपको पुष्पक नगर का एग्जैक्टली बारे में समझा दूंगा अच्छे तरह से। तो उसके बाद आप डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको कहाँ पे जाना है सेक्टर वाइज में यहाँ पे। तो यह मैंने पूरा आपको सेक्टर 3 के प्रोजेक्ट में बारे में बता दिया। तो स्क्रीन पर जो नंबर दिया उस पर कॉल करिए साइड विजिट के लिए। और ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा लाइक कर दो, शेयर करो, सब्सक्राइब करिए, सबका पहुँच बेल आइकन है वो भी प्रेस करके आने वाले नोटिफिकेशन सब चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। नमस्कार, टेक केयर, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।